संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर देखने को मिल रहा है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से संगम के आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह से डूबा नजर आया। इसी रफ्तार से दोनों नदियों का जलस्तर अगर बढ़ता रहा तो जल्द ही निचले इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जलस्तर बढ़ने की वजह से संगम इलाके में घाट आरती स्थल के साथ संगम किनारे की दुकानें जलमग्न हो चुकी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी नदियों में जलस्तर की बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इस समय हम खड़े हैं संगम नगरी प्रयागराज के संगम इलाके में और आप ये देख सकते हैं, ये जो जगह दिख रही है ये संगम जाने वाला रास्ता है और ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रास्ते में बोर्ड लगे हुए हैं, तमाम ऐसी चीज़ें वो सभी पानी में डूब गई हैं। और ये वो सड़क है जो लेटे हनुमान मंदिर के बगल से संगम तक जाती थी, सीधा ये सड़क संगम की तरफ जाती है। और आपको बता दें कि आप इधर जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा वो इलाका है जहाँ पर तमाम तीर्थ पुरोहितों के घाट लगे रहते थे, तखत लगे रहते थे, जहाँ पर वो धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान कराते थे। लेकिन गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से वो पूरे जो घाट और तखत थे वो यहाँ से हटा लिए गए हैं। और आपको हम इधर दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ये दुकान थी जो यहाँ पर यहाँ मिठाई की दुकान थी ये संगम इलाके में, और ये भी आप देखिए पूरी तरह से जलमग्न हो गई और जो दुकान है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि हमारे इस साइड ये लेटे हनुमान मंदिर है सामने की तरफ, और लेटे हनुमान मंदिर तक गंगा जी बिल्कुल पहुंच चुकी हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब गंगा जी लेटे हनुमान मंदिर में जाती हैं, भगवान हनुमान जी का बजरंगबली का जलाभिषेक करती हैं, तो वो साल प्रयागराज वासियों के लिए अच्छा रहता है। और जो गंगा यमुना का जलस्तर है वो निचले इलाकों में अब घरों तक भी पहुंच चुका है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन राहत की बात है कि अभी संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल से काफ़ी पीछे है। मनीष पालीवाल, R9 TV, प्रयागराज।